बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहजीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में जेंगो में डेटाबेस क्रिएट किया था और ये लास्ट वीडियो का कोड है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। ये हमारा जो था कोड का आउटपुट था। यहाँ पर हमें डेटाबेस दिखाई ऐसे नहीं देता था, हमें इसके लिए एडमिन लिख के डेटा को जो पैनल था उसे खोलना पड़ता था। यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर इसको लॉगिन करना पड़ता। ये हमने बनाया था अपने डेटाबेस के अंदर, एक स्कीमा बनाया था। स्कीमा मतलब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि डेटा को हमें किस तरह से ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी डेटा ऐड किया हुआ है, तो हमें कौन कौन सी फील्ड ऐड करना होती वो हमें बताना होता है। यही स्कीमा होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर नेम, रोल नंबर, ईमेल और डिपार्टमेंट ऐड करना था। तो इसका फ्लो हमने देखा था कि हम सबसे पहले अपने स्कीमा को बनाते हैं, मतलब हमारा क्या स्कीमा रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो हम अपने दिमाग में सोचते हैं। उस स्ट्रक्चर को भी हम मॉडल डॉट पाई में लिखते हैं, उसके बाद फिर हम एडमिन डॉट पाई में इस मॉडल को रजिस्टर करते हैं। वो सब हमने बातें की थी लास्ट वीडियो के अंदर। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल्स बनाया है या स्कीमा बनाया है, उसको पे हमने यहाँ पर रजिस्टर किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब लिखा है, ये यूट्यूब क्लास बोलो आप या मॉडल बोलो या स्कीमा बोलो, हमने यहाँ पर रजिस्टर किया है। उसके बाद हम पूरे ऐप को रजिस्टर कराते हैं अपने सेटिंग डॉट पाई में, ठीक है। इतना हमने काम किया था। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ से ऐड अभी हमें करना पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर राहुल लिख दिया या आर लिख, राहुल पाल लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 132 और रोल नंबर में एम और उसके बाद CSE और उसके बाद सेव करता हूँ। तो आप देखो कि हमारे पास राहुल पाल आ चुका है, उसका नंबर आ चुका है, रोल नंबर और CSE आ चुका है। अब हम चाहते हैं ये डेटा हम यहाँ से सेव ना करके एक HTML का फॉर्म हो वहाँ से सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम वो डेटा अपने पाइथन में एक्सेस करें और उस पाइथन में एक्सेस करने के बाद वो डेटा को हम डेटाबेस में भेजें और वहाँ पर सेव कर दें। तो वो पूरा प्रोसेस है एक, और मैं आपको बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ कि इसका फ्लो क्या रहेगा, हम किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हम form.html जो आखिर में देखोगे इसको रेंडर कर रहे हैं। कब पहले हम सबसे पहले कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं urls.py को, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का डॉट जो होता है उसमें स्ट्रक्चर, उसमें देखेंगे आप urls.py मौजूद है। हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया होता है अपने प्रोजेक्ट में उसमें urls.py मौजूद नहीं होता, इसलिए हमें urls.py को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू फाइल्स पर जाके यहाँ पर urls.py को क्रिएट किया मैंने। इतना करने के बाद हमारे पास view.py होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने urls.py से एग्जीक्यूशन है उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया urls.py जो कि एप्लीकेशन का है। इस एप्लीकेशन के urls.py ने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, मतलब एग्जीक्यूशन को फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन के view.py को, और इस view.py ने एग्जीक्यूशन को फॉरवर्ड कर दिया form.html को। इसी वजह से हमारा फॉर्म है जो रेंडर होके आता। तो इतने थ्री स्टेप के बाद हमारा चौथी स्टेप में हमारा फॉर्म रेंडर होता है। तो हमें फॉर्म HTML फॉर्म को कहाँ बनाना है, टेम्पल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है एप्लीकेशन के अंदर। तो हम एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स फॉर नाम का फोल्डर इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हम जितनी भी फाइल्स होती हैं इंडेक्स डॉट वेब पेज की या HTML फाइल्स होती हैं वो हम सब टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही हम रखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा टेम्पलेट्स form.html और यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। इसके अंदर हम बहुत जल्दी से सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, एक बेसिक कोड लिखेंगे जहाँ पर हम डेटा को ऐड कराने की एक फील्ड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर HTML लिखा, हैड टैग के अंदर हम यहाँ पर CSS वगैरह ऐड कर सकते हैं, bootstrap वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम उसमें कुछ भी नहीं देखने वाले। तो बॉडी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर बॉडी बनाई। अब इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म बनाया और इसको जो मेथड होगा सबमिट करने का वो रहेगा पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने बना लिया है तो हमें यहाँ पर लेबल बनाना है ताकि हमें पता लगे कि यूज़र क्या डेटा डाले इसमें। तो हमने बोल दिया नेम डालना है आपको, और डालने के लिए हमारे पास फील्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनपुट फील्ड बना लिया और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ
टाइप, टाइप इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्योंकि बटन बना लेता हूँ एक सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक सबमिट बटन बनाया, इसका टाइप मैं बोल देता हूँ होगा सबमिट बटन। ओके ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं आउटसाइड कि हमारा ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये रहा प्रोजेक्ट हमारा, ब्लॉग और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, तो इसमें प्रोजेक्ट में आना है, प्रोजेक्ट के अंदर आप आओगे, ऐप के अंदर आना है, तो ऐप के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को पहले नॉर्मल देख लेंगे कि हमने जो फॉर्म बनाया है वो प्रॉपर बना भी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्म डॉट एच टी एम एल को रन किया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मैंने नेम नहीं दिया, बटन का नाम क्या होना चाहिए, मैंने बोल दिया एड एड एंड इसको डेटा, तो यहाँ पर एड एंड इसको डेटा बोल दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो रीलोड किया, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी डेटा हो वो हमारे एच टी एम एल पेज से जो डेटा निकल के हमारे पाइथन में जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आई डी वगैरह बनाना पड़ेंगी। तो आई डी मैंने इक्वल्स टू नेम दे दिया, और नेम इक्वल्स टू हमने नेम फील्ड का यूज़ किया और नेम इक्वल्स टू नेम दे दिया, ठीक है। आपको यही जो चीज़ें हैं वो इनपुट फील्ड से डेटा उठाकर पाइथन में भेजेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। हम एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं कि एग्जीक्यूशन हमारा किस तरह से होगा। हमने फॉर्म बना लिया, अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं कि एग्जीक्यूशन करना है इसका, तो उसके लिए हमें urls.py में आना है। प्रोजेक्ट का जो urls.py उसमें आप आएंगे, उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर पाइथन पाथ ऐड किया है कि हमें एग्जीक्यूशन का वे क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो हमने उसमें आप देख सकते हैं पास किया है एम्प्टी, तो ये बता रहा है कि अगर आपके पास जो रिक्वेस्ट है पोर्ट के बाद एम्प्टी आता है, मतलब आप देख सकते हो 5000 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तब हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर ऐसा कुछ आता है तब आपको ये करना है, लेकिन हम बोलते हैं एडमिन, यहाँ पर एडमिन लिखा आता है तो क्या ओपन करना है, ये पेज ओपन करना है। तो ये कौन बता रहा है, तो यहाँ पर लिखा है एडमिन अगर आता है तो क्या ऐड करना है, एडमिन डॉट साइड में जाके इस पेज को रेंडर करना है, ठीक है, जो कि जेंगो ने डिफ़ॉल्ट रूप से अपने आप बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने इंक्लूड करेंगे, मतलब हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, एक बताएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऐप में एक urls.py नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, फाइल है, उसको रेंडर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ से इस तरह से इंपोर्ट नहीं करना, हमें यहाँ पर लिखना है इंक्लूड, तो हमें जेंगो डॉट यू आर से इसको इंपोर्ट करना है इंक्लूड को। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी एरर आएंगी, वो एरर को हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें अभी पूरा एग्जीक्यूशन का वे कम्प्लीट नहीं किया है। अब हमें urls.py में आते हैं और वहाँ पर अब क्या करना है, वहाँ पर हमें उसको फॉरवर्ड करना है, तो urls.py है और यहाँ पर कुछ भी एम्प्टी है, तो यहाँ से हम सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, पाथ देते हैं, जैसे URLs जो पैटर्नस हैं इसमें हम पाथ देते हैं, तो पाथ दिया मैंने और यहाँ पर आके मैंने बोला कि पीछे पीछे से हमें क्या मिल रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, कि एम्प्टी हो तो क्या करना है, तो मैंने बोला एम्प्टी हूँ, एम्प्टी है तो क्या करना है, मैं बोलता हूँ व्यूज़ में जाना है आपको, और व्यूज़ में जाके व्यूज़ फाइल में जाना है, views.py में, वहाँ जाके उसमें आपको एक फॉर्म नाम का एक क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसको रन करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू फॉर्म दे दिया मैंने इसको, नाम नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो नाम आगे यूज़ होगा, इस वीडियो में तो यूज़ नहीं होगा, जब भी हम आगे वर्क करेंगे तब उसका यूज़ होगा, ठीक है। हमने इतना बता दिया और यहाँ से हमने फॉर्म व्यूज़ को इंपोर्ट करना है, तो हमें लिखा फॉर्म फ्रॉम ऐप से हमें इंपोर्ट करना है व्यूज़ को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं व्यूज़ को, तो व्यूज़ की फ़ाइल को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हम एक बनाते हैं फंक्शन, तो हमने फंक्शन का नाम क्या रखना है, नेम रखना हमें फॉर्म, जैसे हमने पीछे बताया था। अब हमें इसको रिक्वेस्ट लिख के यहाँ पर रिक्वेस्ट, इसके अंदर रिक्वेस्ट पास करना है, आपको रिक्वेस्ट को
इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जितने भी फंक्शन हम इसके अंदर बनाते हैं वो एक रिटर्न कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर ही रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न। तो रिटर्न में मैं इस समय रिटर्न कराऊँगा, रिटर्न कराने वाला हूँ एक HTML पेज। मोस्ट ऑफ क्या होता है जो views.py है इसमें हम HTML पेज को ही रिटर्न कराते हैं और जो भी डेटा है यहीं पे उसको एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, यहाँ पर रेंडर आ जाता है, रिक्वेस्ट लिख रहा है मुझे रिक्वेस्ट। उसके बाद हम कौन सी फाइल को रेंडर कराना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया form.html को मैं रेंडर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आई होप यहाँ पर एरर्स जो हैं वो सारी चली जाएंगे, आप देख सकते हो सारी एरर्स हमारी जा चुकी हैं। तो हमारा पोर्ट कौन सा रन हो रहा था, हमारा पोर्ट था, अभी आप देख सकते हो हमारे पास ये फॉर्म हमने जो बनाया था तो आप देख सकते हो ये लोकल में रन हो रहा है, ये सर्वर पर रन हो रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ से जो डेटा है वो हमारा सर्वर पर जाए। अभी मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर CRF टोकन का एक एरर आ गया। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि हमारा कोई फॉर्म किसी प्रोग्राम के द्वारा मतलब प्रोग्राम से कोई फिल ना कर दे, उसके लिए क्या करते हैं हम एक टेम्पलेट टैग का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट टैग क्या है, यहाँ पर HTML फॉर्म में यूज़ किया जाता है ताकि हम यहाँ पर पाइथन की चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। तो मैंने टेम्पलेट टैग यूज़ किया और यहाँ पर लिखना है टोकन, CRF टोकन लिखना है, उसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा और मैं यहाँ से कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर तहजीब लिखा, अब मैं यहाँ पर जितने बार भी क्लिक करूँ यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये उसको पता है कि यहाँ से जो भी क्लिक आ रहा है ये एक ह्यूमन के द्वारा आ रहा है, कोई किसी भी प्रोग्राम के थ्रू उस पर क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सबमिट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये देखना कि हमने ID नेम और नेम क्या दिया। तो ID नेम हमारा नेम सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब हम इस फॉर्म के अंदर आते हैं, हमने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट एंड डॉट मैथड इक्वल्स टू अगर पोस्ट है, तो क्या करना है हमें, हमें एक वेरिएबल में डेटा ले लेना। तो मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख देता हूँ, मैं n रख देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड का यूज़ करना है और डॉट लगाकर हमें गेट करना है। क्या गेट करना है, जहाँ से वो डेटा सेंड किया गया है। तो हमने क्या वहाँ पे नाम रखा था, नेम, तो यहाँ पर नेम रखना है। अब हमें इसको यहाँ पे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिख के यहाँ पर एन को की वैल्यू प्रिंट कराना है। तो वहाँ से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। तो अब मैं इसको साइड में करता हूँ, यहाँ पर मैं तहजीब डालता हूँ। आप देखेंगे हमारे पास डेटा तहजीब आने लग गया है। आपको समझ में आया कि हमारे पास क्या आने लग गया, डेटा तहजीब नाम का एक डेटा आने लग गया। अब हमने क्या किया था, मॉडल्स डॉट पाई में आप देख सकते हो, अब हमने ये मॉडल्स बनाया था तो इसका नाम क्या था, यूट्यूब। तो अब हमें यूट्यूब क्लास को कॉपी किया मैंने, इस मॉडल्स को। अब हम चाहते हैं इसका जो डेटा है वो हमारा, तो यहाँ पर व्यूज़ को ओपन करना पड़ेगा, वो डेटा हमारा सेव हो जाके कहाँ पर, वो डेटा हमारा सेव होना चाहिए, ओके, यहाँ पर हमारे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हमने क्या मॉडल बनाया था, हमने यूट्यूब नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पास करते हैं नेम इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास क्या फील्ड है मैं आपको दिखाता हूँ। पहली फील्ड क्या है, नेम। तो नेम फील्ड में हमें क्या रखना है, नेम। तो हमने नेम फील्ड में क्या ऐड किया, नेम फील्ड में हम ऐड करना चाहते हैं एन। बाकी सारी फील्ड्स को अभी हम ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो व्यूज़ में आ जाता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसको मैं बोल देता हूँ डेटा, ओके। इसको सेव किया और इसके बाद मैं डेटा डॉट सेव लगा देता हूँ, डेटा डॉट सेव फंक्शन का यूज़ किया। अब ये डेटा हमारा कहाँ पर सेव हो जाएगा, ये डेटा हमारा जाके जेंगो के डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैंने इंटर किया, मैं इंटर कर देता हूँ नाउ वर्किंग,
ठीक है, नाउ वर्किंग मैंने ऐड किया। और इससे पहले मैं आपको डेटाबेस खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके, यहाँ पर वन डॉट 5000 पोर्ट में जाना है और यहाँ से मैं एडमिन पे जाता हूँ। आ गए हम एडमिन में और आप देखोगे जितने बार भी हम इसको रीलोड करेंगे हमारे पास ये रीलोड होता है, ठीक है, ये फंक्शन बार बार कॉल होता है। तो मैं यूट्यूब्स में गया और आप देखेंगे हमारे पास अभी कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आ गया यूट्यूब इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें YouTube नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने यहाँ पर YouTube को इम्पोर्ट नहीं किया। तो हमें फ्रॉम ऐप में जाके डॉट मॉडल्स क्लास से हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है किसको, YouTube को। अब सही है क्योंकि अगर हमने किसी को यूज़ किया तो उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको, तो वो डेटा आई थिंक पहुंच गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा से डालता हूँ। तो मैं बोलता हूँ नाउ वर्किंग, नाउ डाल देता हूँ, नाउ डाल सही रहेगा। अब ये डेटा यहाँ से तो जा चुका, अब देखना है मैं यहाँ पर मेरा डेटा आया कि नहीं। हमने इसको रीलोड किया, अब आप देख सकते हो हमारे पास नाउ यहाँ पर आ चुका है, बाकी सी जो फील्ड्स हैं वो एम्प्टी हैं। तो इन एम्प्टी फील्ड्स में डेटा भरने के लिए हमें सिंपली अपने उस फॉर्म में जाना है और इन्हीं चीज़ों को हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, ओके सॉरी। अब हमें पता लग गया कि किस तरह से डेटा हमारा इन जा रहा है। तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। तो पहला जो लेबल रहेगा वो रहेगा ईमेल का, आई थिंक मैच कर लो तो भी दिक्कत नहीं है। मैं रोल का है तो मैं कोई बात नहीं वहाँ पे सेट कर दूँगा। तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, टेक्स्ट टाइप में इसका ईमेल होना चाहिए। आईडी में भी मैं ईमेल दे देता हूँ, आप आईडी वगैरह सही रखें, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं ईमेल दे देता हूँ, ठीक है नाम, और यहाँ पर भी मैं ईमेल दे देता हूँ ईमेल, सॉरी यहाँ पर ईमेल नहीं, यहाँ पर तो हमें रोल नंबर देना, रोल नंबर, रोल, यहाँ पर तो टैक्स रहेगा क्योंकि टैक्स में रहेगा, और यहाँ पर हमें रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पर हम इसको देते हैं डिपार्टमेंट। तो डीपी दे दिया हमने और इसको नाम देते हैं डी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन उसी नाम से आपको वहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया इसको, और यहाँ पर जाऊँगा व्यूज़ में, व्यूज़ में यही काम मैं दोबारा से करूँगा, सारा डेटा एक्सेस करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम ध्यान रखें आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया सबसे पहले रोल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने वहाँ पर आई डीज़ दिए। अब मैंने ई मेल दे दिया और अब ई मेल के बाद मैं डिपार्टमेंट भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ दिया डीपी, इसके बाद इसको मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको N1 कर देता हूँ, इसको N2 कर देता हूँ, इसको N3 कर देता हूँ, ठीक है। आप नाम थोड़ा सा जैसे आपने करना है वैसा कर लें। मैं बोलता हूँ ईमेल में जाना चाहिए, ईमेल में जाना चाहिए, ईमेल किस में है, ईमेल है N2 में। तो मैं बोलता हूँ ईमेल में N2 जाना चाहिए, और रोल नंबर में हमारे पास जाना चाहिए, रोल नंबर के अंदर जाना चाहिए N1, ओके। इसके बाद डिपार्टमेंट में जाना चाहिए हमारे पास N3, ठीक है, डन हो गया। अब ये जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा पूरा एट्रीब्यूट और ये सेव हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर किया, तो यहाँ पर नल यूट्यूब रोल नंबर आ गया। तो यहाँ पर एक हमने वैल्यूज आई थिंक गलत की है,
रोल नंबर मैंने सही लिखा हुआ है यहाँ पर, नल कंस्ट्रेंट द ऐप अंडरस्कोर दो रोल नंबर। तो यहाँ पर हमने जो गड़बड़ की है वो हम एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पर हमने रोल नंबर को, आई थिंक हमें यहाँ पर इसका जो पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ेगा शायद, हाँ यही है शायद, इसका पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में हमें रोल नंबर रखना है, तो उसी वे में ये सेव होगा। उसके बाद रोल नंबर किस में है हमारा, रोल नंबर वन में। और इसके बाद हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल हमें ऐड करना पड़ेगा। ईमेल हो गया हमारा, ईमेल हमारा N2 में था और डिपार्टमेंट हमारा आखिर में है, तो वो बिल्कुल सही है। तो नाउ अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो ये आ चुकी हैं फील्ड्स हमारे पास, और मैंने यहाँ पे तहजीब दिया, ईमेल एड्रेस मोहम्मद, मैं तहजीब यहाँ पे डाल देता हूँ अंडरस्कोर खान, ठीक है, ताकि एक नया डेटा ऐड हो जाए। रोल नंबर डिपार्टमेंट में बोलता हूँ CSE, ऐड कर दिया। अब ये डेटा हमने यहाँ से ऐड कर दिया, अब हमें देखना है हमारे डेटाबेस में ये डेटा ऐड आया है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो ये डेटाबेस में हमारा डेटा ऐड हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ से हम किस तरह से वैल्यूज़ को फैच कर रहे हैं HTML फॉर्म से। और यहाँ पर YouTube मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने जो ईमेल है और जो नेम है वो आपको, सॉरी ID और जो नेम है उसको आपको परफेक्ट रखना है। अगर मैं इस ID को चेंज कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने ID को चेंज किया और यहाँ पर अगेन रन किया, तो यहाँ पर नेम दिया, बार बार वही नाम दे रहा, मैं TH कर देता हूँ। और यहाँ पर 132 CSE ऐड किया। अब देखते हैं हमारे पास वो डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हो हमारे पास वो डेटा जा रहा है, TH आ चुका है, बिकॉज हम यहाँ पर नेम का यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, नेम फील्ड का यूज़ कर रहे हैं नेम को भेजने के लिए। ये ID हम इस पर CSS वगैरह अप्लाई करने के लिए आपकी क्लास को यूज़ कर सकते हैं, वो इनकेस हम आगे इन फ्यूचर में देखेंगे इसका क्या यूज़ है, ठीक है। अभी इसी मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है इसको नेम, अगर मैं अब नेम को चेंज कर दूँगा तो अब ये डेटा हमारे पास नहीं जाने वाला। तो मैंने यहाँ पर किया नेम चेंजेस, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया SD या कुछ भी, मैंने पैराडाइज दे दिया पैराडाइज। उसके बाद ईमेल में n.com, MA रोल नंबर MA दे दिया, कुछ भी आप दे दें, और मैंने ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक आ चुकी है नॉट नल कंस्ट्रेंट, अब ये एरर आ चुकी है क्योंकि वहाँ पर एक नल वैल्यू है, क्योंकि वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको n नाम देता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल वर्क करेगा परफेक्टली। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, तो पैराडाइज n.com रोल नंबर डिपार्टमेंट IT नाउ सेव। तो ये डेटा अब यहाँ पर सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराडाइज आ चुका है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और उस वीडियो में समझ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही है जो भी मैंने कोड किया है, तो उसका कोड मैं आपको GitHub में प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।